हेलो प्यारे बच्चा लोग वेलकम टू नेक्सस 3.0 बैच जहां पे दो क्लासेस के अंदर हम लॉ ऑफ टॉर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं तो लॉ ऑफ टॉर्स को मैं ऑलरेडी आप सभी लोगों के साथ 2.0 बैच में कवर कर चुकी हूं आज के सेशन में हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर्स देख चुके हैं प्रीवियस सेशन देख चुके हैं लॉ ऑफ टॉर्स के तो आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही ईजिली तो वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे प्रीवियस सेशन देखे हैं ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा क्वेश्चन जब मैं बोलूंगी तो आप हमें वहाँ पे पॉज करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब भी देना है आप सभी लोगों को हालांकि क्वेश्चंस के आंसर्स हम सेशन में ही डिस्कस करेंगे बट आपको करना क्या है उस टाइम पे पॉज करके उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देना है ताकि हम भी तो देखें कि भाई आप कितना स्कोर कर रहे हो तो आई थिंक इस वाले सेशन में आ, करीबन आपको पंद्रह से बीस क्वेश्चंस पंद्रह से बीस क्वेश्चंस का एवरेज आपको देखने को मिलेगा एंड में हम लोग देखेंगे तो आपको लास्ट में जब आप पूरा सेशन देख लोगे ना उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दस में पंद्रह सही हुए नौ में पंद्रह सही हुए या पंद्रह में पंद्रह सही हुए ठीक है तो लगभग 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं आई होप यू गाइस आर रेडी और मेरी ऑडियो वीडियो आप सभी लोगों को क्लियरली आ रही होगी लॉ ऑफ टोर्स क्लैट एलेट और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है क्लैट में भी पहले देखा गया है इवन पीजी लेवल पे आप तो यूजी की तैयारी कर रहे हो पी लेवल पे लॉ ऑफ टॉट्स की तैयारी करवाई जाती है और उससे रिलेटेड पैसेजेस आपको देखने को मिलते हैं वो सभी स्टूडेंट्स जो क्लैट एग्जामिनेशन के बारे में नहीं जानते मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा जहाँ पे आपके सामने पैसेज आपको एक पैसेज दिया जाएगा उस पैसेज को रीड करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा वो क्वेश्चन जो है कही कहीं ना कहीं पैसेज से ही रिलेटेड रहेंगे क्लियर एवरीबडी सो अस जस्ट स्टार्ट ऑफ विथ टुडे सेशन और आप लोग चाहें तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं वो जो हम लोग यहाँ पे थ्योरी में कवर करेंगे पहला जो हमारा क्वेश्चन है पहला जो हमारा क्वेश्चन है लॉ ऑफ टॉट्स का ये कहीं ना कहीं एडवांस्ड लेवल है कैसे क्योंकि यहाँ पे हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि जो पहला पैसेज है वो टॉर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने डिटेल में किया हुआ है वो कॉन्सेप्ट बट टू ऑल दो स्टूडेंट्स वो डू नॉट रिमेम्बर मैं आपको बता दूं पहला पैसेज आपका रिलेटेड है नेग्लिजेंस से नेग्लिजेंस से रिलेटेड पैसेज है अब नेग्लिजेंस के मामले अगर आप प्रैक्टिकल बेसिस पे देखो वरना जनरल केसेस तो कंसिडर ही नहीं होते कोर्ट में डैमेजेस दिलाने के लिए लेकिन मैक्सिमम केसेस भारत के अंदर जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड होते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड होते हैं आईपीसी आईपीसी नाउ बीएनएस ये कवर करती है मेडिकल नेग्लिजेंस के प्रोविजंस को तो आप चाहें तो आप उसको रेफर कर सकते हैं लॉ को रेफर कर सकते हैं बट मेडिकल नेग्लिजेंस हो चाहे नेग्लिजेंस इन जनरल हो नेग्लिजेंस के अंदर एक चीज पाई जाती है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आपको ये याद होना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए याद रहना चाहिए आपको क्या पाया जाता है द ड्यूटी टू टेक केयर द ड्यूटी टू टेक नेग्लिजेंस में क्या होता है नेग्लिजेंस में देर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर और आप क्या कर रहे हो आप क्या कर आपने आपने नेग्लिजेंस कमिट करके आपने इस ड्यूटी टू टेक केयर का क्या कर दिया आपने उसको ब्रीच कर दिया उसी तरीके से मेडिकल नेगलिजेंस के मामलों में डॉक्टर्स की कुछ ड्यूटी होती है डॉक्टर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉक्टर्स हो गए आपके या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं समझ रहे हो आप तो इनकी कुछ ड्यूटी होती है टेक केयर करने की जब ये डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या प्रोफेशनल्स क्या करते हैं उस ड्यूटी का ब्रीच कर देते हैं तो ये मामला क्या होता है ये मामला मेडिकल नेगलिजेंस का हो जाता है जब डॉक्टर्स और आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या प्रोफेशनल्स के द्वारा कोई ऐसा एक्ट होता है मान के चलिए बेटा ऑपरेशन करना है पैर का ऑपरेशन करना है एक पैर का ऑपरेशन करना था राहुल गया था डॉक्टर के पास दिखाने के लिए डॉक्टर ने क्या किया जो खराब पैर था जिसमें उसको तकलीफ थी उसको छोड़ के सही वाले पैर को ऑपरेट कर दिया उसको उस उसकी टांग काट दी ये ऑपरेशन करने के बाद पता चला कि कोई टूल रह गया है अंदर ही पेट के अंदर ही रह गया कोई टूल बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं बेटा केरला हाई कोर्ट का एक केस था जहाँ पे एक लड़की को बिना लोकल एनेस्थीजिया दिए उसका ऑपरेशन कर दिया अब बताइए तो ये सब मामले क्या होते हैं बेटा ये सब मेडिकल नेगलिजेंस के मामले होते हैं उसी से रिलेटेड आपको पैसेज मैंने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आइए उसको रीड करते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ स्पेशली वेन इट कम्स टू केसेस इन्वॉल्विंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स फेलिंग टू मीट दी स्टैंडर्ड ऑफ केयर स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो कि हर कोई उनसे एक्सपेक्ट करता है कि इतना तो स्टैंडर्ड इनके अंदर होना चाहिए ध्यान रखने का केयर रखने का ठीक है इन इंडिया मेडिकल नेग्लिजेंस केसेज आर प्राइमरिली गवर्नड बाई द प्रिंसिपल्स ऑफ नेग्लिजेंस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड दंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रावधान जो मेडिकल नेगलिजेंस के मामलों में क्योंकि जब आप जाते हो डॉक्टर के पास और डॉक्टर भी आपको ऑपरेशन के लिए एक डेट देता है आपसे पैसा लेता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उसके अलावा बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स आईपीसी के अंदर भी गवर्न होते हैं और बीएनएस के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी किए गए पहले क्या था प्रोजीक्यूट किया जाता था डॉक्टर्स को ऐसे नेग्लिजेंस के मामलों में प्रोजिक्यूट किया जाता था लेकिन अब डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं तो ये भी आप देख सकते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस कैसे अकर होता है मेडिकल नेग्लिजेंस कैसे होता है मेडिकल नेग्लिजेंस अकर्स व्हेन अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर अ नर्स हॉस्पिटल ब्रीच इज देयर ड्यूटी टू टेक केयर टुवर्ड्स अ पेशेंट पेशेंट की तरफ भैया आप डॉक्टर हो आपकी क्या ड्यूटी है क्या आप उसका ध्यान रखोगे एटलीस्ट उसने जिसके लिए पैसा दिया है वो तो आप उसको दोगे ही दोगे, दोगे दवाइये बेसिक इम्यूनिटीज जो होती हैं तो पेशेंट की तरफ आपकी कुछ ड्यूटीज होती है और अगर आपने उसका ब्रीच कर दिया जिससे उस पेशेंट को कुछ ना कुछ नुकसान या इंजरी हुई है उस पेशेंट को कुछ ना कुछ नुकसान या इंजरी हुई है तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला हो जाता है टू एस्टैब्लिश अ केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस सेवरल एलिमेंट्स नीड टू बी प्रूवन दिज इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग दी एग्जिटेंस ऑफ अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है अब ये रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कोई आउट ऑफ दी प्रोफेशनल एरिया कोई और रिलेशन हो ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ऐसे डेवलप होता है कि मान के चलिए आप डॉक्टर के पास जाते हो आप उन्हें दिखाते हो वो आपको सजेशन देते हैं आपको गाइड करते हैं आप उनको एक फीस देते हो उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही आप अपने बॉडी में चेंजेस करते हो या खाने पीने में चेंजेस करते हो ऐसे ही रिलेशनशिप क्रिएट होता है सो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होता है डिमोन्स्ट्रेटिंग अ ब्रीच ऑफ दिशिंग अ कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द ब्रीच एंड देश हार्म यानी कि ब्रीच हुआ है और पेशेंट को हार्म हुआ है उसी ब्रीच से मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर इन दोनों इन दोनों चीजों में कनेक्शन होना चाहिए यह ना हो कि ब्रीच अलग से हो और पेशेंट को पेशेंट को जो हार्म है वो अलग तरीके से हो देर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन द टू आगे आइए इन इंडिया मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस आर ऑफ एंड ब्रॉड बिफोर द कंज़्यूमर कोर्ट्स सिविल कोर्ट्स और मेडिकल काउंसिल्स फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन द कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सी कॉम्पनसेशन फॉर मेडिकल नेगलीजेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी ये कहा गया है कि अगर मेडिकल नेग्लिजेंस होता है तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के पास कॉम्पनसेशन पाने का अधिकार होता है जेंस केसेस के अंदर अगर आप यहाँ पे कोई चीज किसी डॉक्टर के अगेंस्ट बोल रहे हैं ना तो डॉक्टर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवार होती है ही इज हैवी बिकॉज ऑफ द बर्डन दैट दैट ही हैज टू प्रूव नो आई हैव नॉट डन एनी नेग्लिजेंस अंडरस्टैंडिंग द स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स द स्टैंडर्ड ऑफ केयर इसको समझिएगा स्टैंड ऑफ केयर एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड फ्रॉम देल्थ केयर प्रोफेशनल इज दैट ऑफ रिजनेबली कॉम्पटेंट प्रैक्टिशनर इन देश फील्ड तो मान के चलिए दो डॉक्टर्स है भोलू और सोलू भोलू और सोलू दो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं अगर भोलू से मान के चलो कोई मेडिकल नेगलेजेंस हो गया तो कोर्ट कहता है लीगल भाषा में लीगल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कोर्ट ये कहता है कि भाई तुम्हें तुमसे एक्सपेक्टेड है तुमसे लोगों को ये उम्मीद है कि तुम एक बेसिक स्टैंडर्ड इतना केयर तुम्हें करना आता होगा और इसको हम कैसे माप, मापेंगे हाउ विल वी एग्जामिन दिस तो ये हम बिल्कुल आपकी तरह ही एक और डॉक्टर है सोलू वो तो अपने हर केस के अंदर इतनी सावधानी बरतता है तो क्या स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक्सपेक्ट करेंगे हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल से इज दैट ऑफ अ रीजनेबली कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर इन सेम फील्ड। एक्सपर्ट विटनेसेस टिपिकली फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशनल्स प्ले अ क्रूशल रोल इन एस्टैब्लिशिंग दी स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड डिटरमाइनिंग वेदर ब्रीच इनर केस चलिए उसके बाद देखिए

वन इन मेडिकल नेग्लिजेंस इज रेस कॉन्प्टल नेटर जिसका मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इट्स तो मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों में रेस इप्सा लुकेटर का एप्लीकेशन बहुत ही तगड़ी तरीके से होता है कैसे होता है आइए मैं आपको बताती हूँ आपने मतलब देख लिया रेस इप्सा Locator का मतलब क्या होता है द थिंग करवाया हुआ है मैंने आपको इट सेल्फ सेल्फ राइट अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मान के चलिए डॉक्टर ऑपरेट करता है किसी पेशेंट को और अपने टूल्स उसके पेट में ही छोड़ देता है या उसकी बॉडी के अंदर ही छोड़ देता है और उसके स्टिचेस लग जाते हैं ये बाद में पता चलता है कि डॉक्टर की गलती के वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया तो जब ये मामला कोर्ट कोर्ट जाएगा जब वो पेशेंट डैमेजेस क्लेम करेगा में जाके इनकी गलती के वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ तो कोर्ट यहाँ पे पूछेगा नहीं की इसकी गलती है क्यों क्योंकि कोर्ट को सामने सामने दिख रहा है कि इतनी बड़ी गलती हो गई डॉक्टर के थ्रू डॉक्टर हैज कमिटेड अ बिग मिस्टेक नेग्लिजेंस कमिट हो गया उससे तो कोर्ट यहाँ पे उससे प्रूव करने के लिए नहीं कहेगा क्यों क्योंकि कोर्ट कहेगा यहाँ पे रेस इप्सा लोकेटर का एप्लीकेशन होगा क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा हुआ है ये खुद ही बता रहा है कि किसने गलती करी है द थिंग द एक्ट इज स्पीकिंग फॉर इट सेल्फ खुद ही बता रहा है कि गलती किससे हुई है ये पॉइंट है चलिए आगे आइए दिस डॉक्ट्रिन कम्स इन टू प्ले वेन फैक्ट्स ऑफ द केस इन एंड ऑफ देम सेल्स इंडिकेट दैटीजेंस हैज कार्ड जो केस के फैक्ट है उससे खुद ही कोर्ट को समझ में आ जाएगा बच्चा लोग कि यहाँ पे नेग्लिजेंस हुआ है इट अलाउज इन्फर नेग्लिजेंस, इवन इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस हो सकता है डायरेक्ट एविडेंस ना हो उसके पास ऑपरेशन हुए मान के चलिए छह महीने हो गए उसके पास कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है पेशेंट के पास बट कोर्ट जब फैक्ट देखेगा अपने आप कहेगा कि ये डॉक्टर की गलती है ठीक है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सर्टेन इवेंट्स वुड नॉट हैव अकर्ड विदाउट नेग्लिजेंस भाई उसके पेट में वो चाकू कैसे मिलेगा उसके पेट के अंदर चाकू कैसे रह जाएगा ऐसे ही रह जाएगा जब आपने नेग्लिजेंस किया होगा ये ये तयशुदा बात है रेस इपसा लोकेटर इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट इन केसेस व्हेयर द पेशेंट सफरस एन इंजरी

डिफेंसिस इन मेडिकल नेग्लिजेंस केसेज कैन इंक्लूड आर्ग्यूंगट द इंजरी और दी हार्मर्ड बाई देश वॉज इनहेरिंट रिस्क ऑफ द ट्रीटमेंट और दी प्रोसीजर और दैट देश ओन एक्शन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी हार्म तो अगर किसी डॉक्टर को डिफेंस लेना है मेडिकल नेग्लिजेंस केसेज के अंदर तो डॉक्टर ये बोलेगा कि ये इनको पता था कि इतना बड़ा ऑपरेशन इनका हो रहा है तो इसके अंदर इतना नुकसान तो इनको होना ही है ही वॉज नोइंग अबाउट इट ही ही वॉज नोइंग अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन देशन या फिर प्लेटिव का ख़ुद का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो रिस्क में तो ये डिफेंसिस लेना चाहे तो वो ले सकता है इट इज़ इसशियल फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू मेन्टेन एक्ोरेट रिकॉर्ड्स ऑफ देर इंटरेक्शन विद पेशेंट्स इंक्लूडिंग डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लान एंड एनी डिस्कशन रिगार्डिंग पोटेंशियल रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन अपने डिफेंस को मज़बूत करने के लिए क्लियर डॉक्यूमेंटेशन कैन सर्व एज अबलडेंस वेन द डिफेंडिंग अगेंस्ट द एलीगेशन ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस तो ये था आपका पैसेज अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अवेयर रहिएगा क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है और कॉमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा विच लीगल प्रिंसिपल्स आर रिलाईड अपॉन इन मेडिकल नेग्लिजेंस केसेज इन इंडिया इंडियन पिनल कोड इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डी ऑल ऑफ द अब विच आर जेंस केसेस इन इंडिया आईपीसी एविडेंस या कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज अगर हम जाए तो उन्होंने आईपीसी पर इतना फोकस नहीं किया है क्यों क्योंकि एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होता है एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होता हैेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ठीक है चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डररी केयर रखनी है आपको एक रीजनेबल केयर रखनी है ऑप्टिमल केयर रखनी है या मिनिमल केयर रखनी है पैसेज के अंदर और आपको ये पता होना चाहिए हर मामले में डॉक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप एक रीजनेबल डॉक्टर की तरह ही ध्यान रखोगे रीजनेबल मैन की तरह ही ध्यान रखोगे नेग्लिजेंस केसेस में अगर एक खराब गाड़ी आप लेके रोड पे निकलोगे तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप खराब गाड़ी ले रोड पे नहीं निकलोगे इसीलिए क्योंकि आपकी ड्यूटी टू टेक केयर और जनरली आमतौर पर लोग खराब गाड़ी लेके रोड पे नहीं निकलते जिसमें लाइट ही नहीं है समझ रहे आप so this is what uh, this question is asking wherein the correct answer would be b समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया चलिए next question देखिए who can act as an expert witness in medical negligence cases मामला किसका है मेडिकल नेग्लिजेंस का है तो वो इंसान जिसको मेडिकल फील्ड में

सेफ साइड सी करेक्ट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए हम लोगों ने इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेस इप्सा लोकेटर का वॉट इज द डॉक्टर इन मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द डिफेंडेंट द द्लेंटि एक्शन कॉज हार्म द थिंग स्पीक्स फॉर इट सेल्फ द डिफेंडेंट एडमिट्स फॉल्ट क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा है ना द थिंग स्पीक्स फॉर इट सेल्फ रेस लोकेटर चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी प्रूवन टू एस्टैब्लिश अ केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस ए एग्जिस्टेंस ऑफ अ डॉक्टर पेशेंट्स रिलेशनशिप ब्रीच ऑफ स्टैंडर्ड केयर कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द ब्रीच एंड द हार्म The all of the above. क्या लगता है क्या लगता है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से कौन से एलिमेंट्स को प्रूव करना होगा मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में ये देखिए ये जो हम ने यहाँ पे पढ़ा था टू एस्टैब्लिश केस ऑफ मेडिकल द दस ऑफ अ डॉक्टर रिलेशनशिप जी हाँ ब्रीच ऑफ केयर

स्ट बी अबली कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर इन द सेम फील्ड सी एन इंटरनेशनली रिनाउमड एक्सपर्ट डी अस प्रैक्टिशनर करेक्ट आंसर क्या होगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रीजनेबली कॉम्पिटेंट प्रैक्टिशनर इन द सेम फील्ड डॉक्टर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जवाब दीजिए फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस केस अकॉर्डिंग टू दैसेज आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एज पर फैक्ट ऑफ दस यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है आपको लिंक करना है कंज्यूमर्स की राइट टू सीक फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाएंगे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाएंगे हमने सर्विसेज ली हैं आपकी सर्विसेज के लिए हमने पे किया है तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर गवर्न होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए हुली प्रोवाइड एक्सपर्ट ओपिनियंस इन मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस Lawyers specialized in medical law, judges with medical knowledge, medical professionals with expertise in relevant field, D for forensic investigation, uh, investigators. So, lawyers specialized in medical law, judges with medical knowledge, medical professionals with expertise in relevant field. डी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना अकॉर्डिंग टू दी पैसेज हम लोग सी के साथ जाएंगे बट याद रखिएगा कहीं कहीं पे कोर्ट जो है लॉयर्स और जजेस के साथ भी बेटा जा सकता है पैसेज के अकॉर्डिंग हमें जाना है तो हम मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ ही जाएंगे बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉयर्स का भी ओपिनियन लिया जा सकता है जजेस का भी ओपिनियन लिया जा सकता है बट क्या वो उस ओपिनियन के अंदर एक्सपर्ट हैं क्या वो अपना जब ओपिनियन दे रहे हैं क्या वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं नहीं वो एक्सपर्ट माने नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल्स विद एक्सपर्ट इन रेलिवेंट फील्ड यहाँ पे एक्सपर्ट माने जाएंगे एक्सपर्ट ओपिनियन बेटा ये एविडेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जब कोर्ट फंस जाता है कोर्ट को पता नहीं कि हम किस तरफ प्रोसीड करें तो एक्सपर्ट ओपिनियन हेल्प करता है कोर्ट की ठीक है चलिए

कि एक डॉक्टर इनहेरेंट रिस्क का डिफेंस कब ले पाएगा अपने आप को बचाने के लिए तो अपने आप को बचाने के लिए वो इनहेरेंट रिस्क का डिफेंस तभी ले पाएगा जब पेशेंट ने जो हार्म सफर किया है वो एक्सपेक्टेड था कि इस ऑपरेशन के बाद आपको चलने फिरने में तकलीफ होगी ही हो होगी इस ऑपरेशन के बाद आप वैसे नहीं लगेंगे जैसे आप लगते थे तो वो जो हार्म आपने सफर किया है ना आपको पता था यहाँ पे ये यह एक्सपेक्टेड था आपसे कि ऐसा होगा तब यहाँ पे डॉक्टर जो है वो डिफेंस ले सकता है लेकिन अगर डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस आपने फेल कर गए फॉलो करने के लिए तब आप नहीं ले सकते हैं जब पेशेंट इनक्योरेबल है तब नहीं लिया जा सकता जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल एडवोकेटली ट्रेंड नहीं है तभी भी नहीं लिया जा सकता है जब एक्सपेक्टेड आउटकम होगा तब यहाँ पे आप ले सकते हो ठीक है डॉक्टर बच सकता है अरे भाई वो पेशेंट का कंडीशन इनक्योरेबल थी तो आपने वो ऑपरेशन ही क्यों किया वो ऑपरेशन किया ही क्यों आपने ये बोलेगा कोर्ट चलिए इसका जवाब दीजिएगा विच लीगल रिकॉर्ड कैन बी टेकन अगेंस्ट दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन इंडिया सिविल क्रिमिनल कंज्यूमर सिविल और कंज्यूमर फोरम्स कहा जाता है मामला कहा जाता है मामला डैमेजेस हमें लेने होते हैं बेटा डैमेजेस लेने होते हैं तो ज्यादातर केसेस जो होते हैं कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में ऐसे मामले जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको डैमेजेस मिलते हैं चलिए इस पैसेज का आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन होगा इसका जवाब दीजिएगा वॉट रोल डज डॉक्यूमेंटेशन प्ले इन डिफेंडिंग अगेंस्ट एलिगेशन ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस डॉक्यूमेंटेशन का क्या रोल होता है मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों में डिफेंस के टाइम पे अपने आप को बचाने के टाइम पे ए इट इज इरेलीवेंट इन मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस बी इट कैन सर्व एज अ वैल्यूबल एविडेंस टू सपोर्ट दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्शंस इट इज़ सोल डिटमेंट ऑफ लाइबिलिटी इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट आंसर क्या होगा ए बी सी डी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वैल्यूबल एविडेंस होगी अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ठीक है चलिए नेक्स्ट पैसेज की ओर बढ़ेंगे बट नेक्स्ट पैसेज की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक टॉपिक को रिवाइज करा देती हूँ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है न्यूसेंस न्यूसेंस क्या होता है बेटा अनलॉफुल अनलॉफुल और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस अनलॉफुल और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस विथ दी विथ द कंफर्ट कंफर्ट और कन्वीनियंस कन्वीनियंस ऑफ दर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उसकी हो भी सकती है ओनर भी हो सकता है या रेंट पे भी हो सकता है सो so, न्यूसेंस के अंदर बेटा हम लोगों ने दो टाइप्स ऑफ न्यूसेंस देखे थे एक होता है बेटा प्राइवेट प्राइवेट न्यूसेंस और दूसरा होता है बेटा पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट न्यूसेंस एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को परेशान करना इनडायरेक्टली पब्लिक न्यूसेंस एक इंडिविजुअल एक से अधिक लोगों को परेशान कर रहा है ये कही न कहीं ना कहीं बेटा बीएनएस के अंदर क्रिमिनल लॉ के अंदर कवर होता है क्रिमिनल लॉ के अंदर कवर होता है ये हम लोग टॉर्ट के अंदर ही सिविल लॉ के अंदर ही पढ़ते हैं अंडरस्टूड याद रहेगा न्यूसेंस चलिए सो न्यूसेंस इज अ अग्निफिकेन्ट कॉन्सेप्ट इन लॉ ऑफ टॉर्स न्यूसेंस इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट इन लॉ ऑफ टॉर्स इन्वॉल्विंग द अनरिजनेबल इंटरफेयरेंस विथ समूज और इन्जॉयमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी हम सब जानते हैं इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इनकम पासिसन अफेक्ट इंडिविजुअल इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकती हैं कम्यूनिटीज को या जनरल पब्लिक को न्यूसेंस कैसे अराइज होता है न्यूसेंस कैन अराइज फ्रॉम बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सोर्सेज प्राइवेट एंड पब्लिक सोर्सेज एंड लीगल रेमिडीज लीगल रेमिडीज आर अवेलेबल अवेलेबल होती हैं ऐसे इंटरफेरेंस को सॉल्व uh, करने के लिए एड्रेस करने के लिए प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूजेंस अलग अलग है प्राइवेट न्यूसेंस रेफर्स टू अचुएशन वेर अ परसन यूज और इन्जॉयमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी इज अनरीजनेबली डिस्ट्रप्टी एक्शंस और एक्टिविटीज Of some other person, some other individual, some other entity. Examples of private nuisance include excessive noise, offensive odors, vibrations, or pollution. You can hear noises at times at night when you are studying. Now, if you want, you can move to the court and claim damages if this is. इन रेपिटेशन गोइंग ऑन एंड ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन सो न्यूसेंस का जो मैटर्स होते हैं वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं हमारे डेली रूटीन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है मूविंग फॉरवर्ड वेन वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस इट इंक्लूड्स एक्सेसिव नॉइज ओफेंसिव ओडर्स वाइब्रेशन और पोल्यूशन दैट वी हैलरेडी स्टडीड To establish a claim of private nuisance, the plaintiff needs to demonstrate that the interference is substantial, unreasonable, and it is directly affecting the use or the enjoyment of the property. When I will be troubled or irritated when I will move to the court, I will have to prove that there is an interference by my neighbor or ex person. Which is substantial, that, is, that means that it is affecting me. It is something which cannot be ignored. Are you understanding? Nuisance ke ye. It is important to know that a defendant may raise the defense of coming to a nuisance. Now, what is coming to a nuisance? Defendant defense. यहाँ पे जो प्लेटिव है जो केस फाइल कर रहा है बंदा वॉलंटरली अपनी मर्जी से उसने न्यूसेंस के अंदर जो रिस्क है उसको अज्यूम करा था बाय मूविंग टू दरिया वे दलजेड न्यूसेंस एग्जिस्ट क्यों क्योंकि आपको पता था वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आप वहां पे क्यों शिफ्ट हुए जब आपके पास दूसरे ऑप्शन थे रहने के लिए ऑन अदर हैंड

Examples of public nuisance include environmental pollution, obstructing public roads, maintaining a hazardous condition that endangers public safety. Unlike private nuisance, public nuisance does not require a direct interference with an individual's property rights. प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे जनरल पब्लिक की हर किसी की प्रॉपर्टी को हम जाके अफेक्ट नहीं कर रहे हैं बट हम ऑल टूगेदर पब्लिक ऑन कम्युनिटी और जनरल पब्लिक पब्लिक न्यूसेंस क्लेम्स आर टिपिकली ब्रॉड बाई दब्लिकल्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ग्रांट किया जाता है बिल्कुल मूविंग फॉरवर्ड आगे आइए वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इन न्यू सेंस लॉ और लॉ ऑफ टॉर्स इज द रीजनेबल स्टैंडर्ड हर जगह आपको रीजनेबल रीजनेबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा द कोट अप्लाइज दिसर द इंटरफेरेंस कॉज्ड बाई द डिफेंडेंस एक्शन वुड बी कंसिडर्ड रीजनेबल और अनरीजनेबल

As the focus is on the objective reasonableness of the interference, why interference In nuisance cases, the legal remedy available to the plaintiff is typically an injunction. What is an injunction? Injunction is the remedy wherein the court asks the wrongdoer to stop doing that act, or as the case requires maybe the court might say that you continue doing the act an injunction is a court order that requires the defendant to cease the activity causing the nuisance or take measures to mitigate to solve the interference in some cases monetary damages may also be awarded if the plaintiff can prove that they have suffer suffered actual harm as a result of the nuisance, mil sakta hai. it is important to distinguish between nuisance and other thoughts such as trespass. Trespass involves a physical intrusion. Physically, directly, you are interfering. That's why nuisance is indirect interference, and trespass is direct interference. Physical intrusion into someone's property. Nuisance deals with interference with the use of enjoyment of property rights nuisance requires a proof of unreasonable interference prove karna padega whereas trespass focuses on the unauthorized focuses on the unauthorized entry onto the property strict liability is the legal principle िटी भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है उसको आप जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा है ना उसको एक बार जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगाबल इंटरफेयरेंस इट सेल्फ defendant may be held liable for the interference caused regardless of their intent or level of care exercised lastly nuisance is a vital concept in the law of torts addressing the unreasonable interference with the property rights private nuisance involves interference with an individual's use or enjoyment of their property while public nuisance affects community or the general public

nuisance in the law of torts refers to criminal offence intentional act of causing harm unreasonable interference with someone's use of or enjoyment of their property breach of contract correct answer c correct answer sabhi log mark it would be c moving forward next question फॉलोइंग इज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ न्यू सेंस क्लेम इंटेंशन टू हार्म नो फिजिकल इंजरी नो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी नो अनिजनेबल इंटरफेरेंस यस डी हिस्स विल बी दी करेक्ट आंसर वी डो नॉट कंसिडर इंटेंशन वी डो नॉट कंसिडर फिजिकल इंजरी नेग्लिजेंस में होता है वो वी डो नॉट कंसिडर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम प्रॉपर्टी वही की वही है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइवेट न्यूसंस इज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बी द ऑफ हार्म सी इंटेंट ऑफ डिफेंडेंट डी प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑफ द प्लेटिव क्या होगा करेक्ट आंसर प्राइवेट और पब्लिक न्यूसेंस को कैसे आप डिफ्रेंशियट करोगे हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ पीपल के थ्रू Private may individual affect, public may public at large affect. Next question The principle of coming to a nuisance means defend and intentionally cause the nuisance. Plaintiff voluntarily assume the risk of nuisance when they move to the area. Nuisance was caused by act of God. Nuisance is temporary and will cease on its own. Correct answer here would be B. We have already discussed it, right? हम खुद मूव कर रहे हैं हमारे पास घर द्वार है बहुत सारे बट हम उसी घर में रह रहे हैं जहां पे जिसके पास कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूसेंस एंड ट्रेसपास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूसेंस एंड ट्रेसपास ए A trespass involves physical intrusion while nuisance involves interference with the property rights. B. Trespass involves intentional harm. Nuisance involves unintentional harm. C. Nuisance only affects private property while trespass affects public property. D. Nuisance requires plaintiff to prove negligence while a trespass does not. So, in trespass, always remember there is a physical intrusion. फिजिकली आप एंटर करते हो किसी की प्रॉपर्टी बिना उसकी मर्जी के न्यूसेंस में प्रॉपर्टी के राइट्स है प्रॉपर्टी के अंदर मेरी राइट है कि हम प्रॉपर्टी को एंजॉय करें कहीं पे भी अब आप अगर परेशानी कॉज कर रहे हो हमें तो हम आपसे डैमेजेस क्लेम करेंगे या आपको एंड करने के लिए कहेंगे कि वो काम आप एंड कर दीजिए क्योंकि हम अपनी प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पा रहे जनरली याद रखिएगा जनरली याद रखिएगा वॉट इज द लीगल रेमिडी अवेलेबल फॉर अ सक्सेसफुल न्यूसांस क्लेम ए मॉनिट्री डैमेज बी इंजंक्शन टू स्टॉप द न्यूसेंस सी क्रिमिनल प्रोजिक्यूशन डी कम्युनिटी सर्विस अगर आपके घर के सामने कोई पर्सन कूड़ा डालता है आपने मना किया उसके बाद भी नहीं मानता है सो वॉट विल यू डू यू विल गो टू दर्ट यू विल आस्क द कोर्ट टू स्टॉप हिम टू डू दैट टू स्टॉप हिम टू डू दैट राइट सो जनरल केसेस में इंजंक्शन होता है जिससे कोर्ट मना करता है कि ये काम रोक दो लेकिन अगर उस कूड़ा डालने से आपके टाइल भी खराब हुए हो होंगे वाइट टाइल आपके पीले हो गए तो ऐसे में आपको मॉनिटरी डैमेजेस भी मिल सकते हैं ठीक है? या? याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे विच ऑफ दाइवेट न्यूस लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइज ड्यूरिंग दी डे Pollution from a factory affecting an entire neighborhood. Offensive odors emanating from a neighbor's property. Garment construction blocking access to a public road. So, public, entire neighborhood. Loud construction noise during the day. So, day ke time is hai, accepted. Hai. Entire neighborhood, public nuisance. Public road, public nuisance. Offensive orders which are coming from my Parosi's house, yes, this will be private nuisance. This will be private nuisance. Now, who will be or what is the reasonable person standard used to determine nuisance? A, average person's tolerance for interference. B, the defendant's personal preferences. C, Plaintiff's subjective perception of the interference, the court's discretion. Correct answer here will be C. C here will be the correct answer. You can refer to the passage as and when required. Okay. Moving forward. Last question. Last question here. What is the legal principle behind nuisance claims? At times it has been seen. न्यूसेंस क्लेम्स के पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लाए करती है सो करेक्ट आंसर हेयर वुड बी एयर वुड बी करेक्ट आंसर टू दैट यू विल बी रिमेंबरिंग नाउ बोथ कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेग्लेजेंस एज वेल एज न्यूसेंस now if anybody asks you what is negligence what you have to reply the duty to the duty to take care right and whenever anybody asks you about nuisance it is the unreasonable unreasonable or unlawful indirect indirect interference right interference सो दैट्स ऑल फोर टूडे आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चा लोग इसके एंड क्लास में भी आप ज्वाइन करना नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है उसमें भी आप ज्वाइन करिएगा दो पैसेंटेज अगेन हम लोग देखने वाले हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वाइकेरियस लाइबिलिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया सो सी ओ दैक्स्ट मंथ अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बच्चा लोग टेक केयर एंड कीप प्रोवाइजिंग गुड बाय